एंड गाइस, आप लोगों ने भी जो रिएक्शन दिया था मोह के न्यू व्लॉग को लेकर मेरे कमेंट्स में, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये एक कमेंट वाली वीडियो है, तो पहले यहाँ पर थोड़ी सी अपडेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से वीडियो नहीं बनाई थी। थोड़ी बहुत अपडेट है तो मैं आपको बता देती हूँ। सुरभि ने कल शाम को फिर से चिटचैट भी शुरू रखा था अपने स्नैपचैट पर। जिन लोगों ने वो देख लिया होगा समझ लिए होंगे, बाकी जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं यहाँ पर डिटेल में तो नहीं बताने वाली, क्योंकि कमेंट वाली वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो जाती है। वैसे तो इसमें सारे जनरल क्वेश्चन ही थे, बट एक क्वेश्चन किसी ने शुरू से पूछा था कि आपका न्यू व्लॉग कब आएगा। तो शुरू ने पहले तो कहा कि कल या परसों आएगा, और फिर लास्ट में उन्होंने कन्फर्म किया कि कल व्लॉग आएगा नया वाला। तो गाइस, सुरभि का नया व्लॉग मंडे को आने वाला है, यानी कि कल। एंड गाइस, छोटी सी न्यूज़ खुशी कार्की की तरफ से, तो खुशी कार्की का न्यू ब्लॉग आ गया है आज उनके चैनल पर। अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों को। तो आइए गाइस, अब देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट्स। भूमि राघव ने कमेंट किया, दी वो सोहक एक्स हेवन, वो जो अभी शुरू से मिली थी ना, उनसे मोहक की रील एडिटिंग की है, जो कि मोहक ने स्टोरी पर लगाया है। लगता है कुछ तो कन्फ्यूजन है, क्या है पता नहीं। तो हाँ गाइस, इसके बारे में मैं काफी दिनों से आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। गाइज, यहाँ पर दो तीन बातें हैं जो कि क्लियर करना जरूरी है। गाइज, आप लोगों को पता है कि सोहक एक्स हेवन सुरु की फैन गर्ल नोएडा में गई थी सुरभि से मिलने, एंड आपको पता है कि मोहक भी वहीं रहते हैं। तो क्या उन्होंने मोहक को अप्रोच नहीं किया होगा, मोहक से नहीं बोला होगा, जबकि उन्होंने एक स्टोरी डालकर बताया था कि उनकी मोहक से डेली बात होती है। तो मोहक उनसे मिलने क्यों नहीं आए, वो मोहक से मिलने क्यों नहीं गई, जबकि उनका फैन पे सोहक को लेकर है, यानी कि मोहक एंड सुरभि से दोनों से ही उनको मिलना चाहिए था। एंड सेकेंडली, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन ये ब्लॉग बना था, सुरभि एंड पीहू के साथ कोई और भी था, मतलब उनका ब्लॉग कोई और बना रहा था। गाइज, आप लोग वो ब्लॉग जाकर एक बार वो देखना, उसमें एक बार कैमरामैन ने पूछा था कि क्या, एंड वो वॉइस आप ध्यान से सुनना, एंड फिर मुझे कमेंट में आकर बताना कि वो वॉइस आपको किसकी लगी। एंड रही यहाँ कन्फ्यूजन की बात, तो यहाँ पर गाइज मुझे दो चीज़ें लग रही है। जब से फैन गर्ल शुरू से मिलकर आई है, वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव है अपने फैन पेज पर। एंड सुरभि यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि सुरभि ने उनकी सारी जितनी भी रील्स थी शुरू वाली, उस पर सभी पर कमेंट्स किए हैं। जो लाइक नहीं की थी पहले, वो अभी लाइक की हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है गाइज आपको, क्या मोहक सुरभि फैन पेजेस के बीच में अटक गए हैं, क्या फैन पेजेस इन दोनों के बीच में अटक गए हैं। जूनी ने कमेंट किया, आई एम सो एक्साइटेड, बस सुरभि भी होनी चाहिए थी व्लॉग में, मैं सोहक को एक साथ देखना चाहती हूँ। मनोज लाखदार ने कमेंट किया है, बोलने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं रहा, मुझे बहुत रोना आ रहा है। अर्शिया ने कमेंट किया है, हाय आई एम अर्शिया, आप समझ गए होंगे कि मैं इतने दिनों से कमेंट क्यों नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरी उम्मीद टूट गई थी, बट अब मैं थोड़ी थोड़ी खुश हो गई हूँ, शायद सोहक लौट आएगा, शायद इंशाल्लाह, मिस यू सोहक। और हाँ, मैं सिर्फ कमेंट नहीं कर रही थी, पर आपकी हर वीडियो में देखती हूँ और उसको लाइक भी करती हूँ, थैंक यू सो मच अर्शिया। मस्ती विद अहाना ने कमेंट किया है, थैंक्स डी फॉर डेली अपडेट्स, खुशी शाह सलोनी दी की कौन लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि सलोनी खुशी शाह को अपनी बड़ी सिस्टर ही मानती है। सलोनी ने एक बार बोला था कि उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है खुशी शाह से, बट वो उनको सगी बहन ही मानती है। रेशमा खातून ने कमेंट किया है, आई मिस यू सो मच सोहक। सुरोजीत ने कमेंट किया है, बहुत याद आता है सबको, सोहक एंड कुशनाल एंड निकू एक साथ, ब्लॉग कब आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत मिस करते हैं। जिंदू पटवारी ने कमेंट किया है, अब होप लगाना बेकार है, क्योंकि भैया ने भी ओनली मोहक फेम का यूज़ किया है अपने व्लॉग में, बाय गाइस। ठंडा ने कमेंट किया है, मुझे लगता है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं किन्नी के कुछ दिन के बिहेवियर को देखकर। तो हाँ गाइस, यहाँ पर किन्नी वही फैन गर्ल है जो कि सुरभि से मिलने गई थी। एंड गाइस, यहाँ पर जो मैं बोल रही थी आपसे, दो तीन चीज़ें और है तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। जब से किन्नी शुरू से मिलकर आई थी, वो सिर्फ शुरू के साथ वाली ही रील्स एंड वीडियोस शेयर कर रही थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, उन्होंने कोई एडिट्स नहीं डाले थे। एंड फिर उन्होंने ये स्टोरी डाली थी, डोंट नो वाई आई एम जस्ट मिस्ड देम एंड क्राई अलोट टूडे, मतलब कि वो यहाँ पर कह रही है कि मैं उन दोनों को आज बहुत मिस कर रही हूँ, एंड आज मुझे बहुत सारा रोना भी आया है। तो गाइज, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है, सुरभि ने ऐसा क्या बताया है किन्नी को कि उनको इतना ज़्यादा रोना आ रहा है उन दोनों को याद करके। एंड फिर आज गाइज इन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि जिससे कि कंफर्म लग रहा है, इन्होंने शुरू का एक एडिट बनाया है एंड दिखा है कि यू स्टार्टेड लिविंग विद द फैक्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इन्होंने वहाँ पर लिखा है, सुरभि को टेक करके लिखा है कि आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। यहाँ पर वो जो हम यूज़ करते हैं टूटे दिल पर पट्टी वाली इमोजी, इन्होंने वो यूज़ की है। फिर सुरभि ने इस पर रिप्लाई किया है कि मेरे बालाजी कभी गलत होने देंगे,
मतलब कि वो क्वेश्चन कर रही है कि अगर जब तक बालाजी मेरे साथ है, मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। एंड इन सारी हिस्टोरी की यहाँ पर ठंडन ने बात की है। एंड गाइज, इन हिस्टोरी को देखकर तो आप लोग समझ सकते होंगे, मैं आप कुछ नहीं बोलना चाहती कि ये मिलेंगे या फिर अब कभी नहीं मिलेंगे। ना मैं ब्रेकअप का नाम ले रही हूँ, ना ही इनके पैचअप का नाम ले रही हूँ। गाइज, आप लोग समझ सकते हैं, अब 50-50 चांसेस हैं। सतीश कुमार ने कमेंट किया, दीदी आज वीडियो नहीं आएगी क्या अबाउट मार्क्स न्यू वीडियो, अगर आपने उसमें कुछ नोटिस किया हुआ हो तो। सोफिया वेलिप ने कमेंट किया है, ऑन सुरुज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स आर डिक्रीजिंग बिकॉज बिफोर इट वॉज 18.9 लाख एंड नाउ 18.7 लाख। तो गाइज, मैंने ये नोटिस नहीं किया है, अगर सोफिया वेलिप आपके पास इसका स्क्रीनशॉट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो फिर मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती कुछ। एंड गाइज, आप में से किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आनंदी जी ने कमेंट किया है, हाई तो हेलो आनंदी जी, कैसी हैं आप, थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया। संजना ने कमेंट किया, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, अब और वेट नहीं होता है, प्लीज़ 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 आ जाओ यार। एंड थैंक यू दी, थैंक यू सो मच, वेलकम संजना। मेहर ने कमेंट किया है, शौक जरूर आएगा। मेहर ने अगला कमेंट किया, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी अपडेट, वेलकम मेहर, एंड थैंक यू सो मच कि आप भी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। स्टेटस ओनली ने कमेंट किया, प्लीज़ सौ कम बैक प्लीज़। PKSMS ने कमेंट किया, ये मोहक की बहन रशीमा है। हाँ गाइस, आप लोगों को पता चल गया होगा, व्लॉग आप लोगों ने देख लिया है। मोहम्मद यूसुफ ने कमेंट किया है, मोहक थंबनेल अबाउट न्यू व्लॉग डेट गर्ल इज रशीमा, गो एंड चेक हर IG पोस्ट बिकॉज सेम ड्रेस। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, शुरू की तरह अब मोहू भी सिर्फ मोहक फेम का यूज़ करने लगे हैं, हम सोहक फैंस कहाँ गए, इसका मतलब क्या है, सोहक इज़ ख़त्म। तो हाँ गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग में सुरभि ने सोहक हैशटैग को अनफॉलो कर दिया था, जबकि मोहक ने किया हुआ था, तो हमें थोड़ी उम्मीद थी। बट धीरे धीरे सुरभि ने हैशटैग सुरू फेम का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। एंड मोहक अपने किसी भी पोस्ट में किसी भी हैशटैग को यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब कि हैशटैग सोहक, हैशटैग मोहक फेम और हैशटैग सुरू फेम किसी का भी यूज़ नहीं कर रहे थे। बट अब जो व्लॉग उनका आया है तो उन्होंने अच्छे से उसमें हैशटैग मोहक फेम का यूज़ किया है। आशा देने का कमेंट किया, थैंक यू दी मेरी जान हो, कैसे हो, लव यू सोहक, लव यू टू आशा। जिंटू पटवारी ने कमेंट किया है, सुरभि दी नहीं है व्लॉग में, वो अपनी सिस्टर के साथ है, भैया के चैनल पे जाके देखो, और मोहक भैया ने भी ओनली मोहक फेम का यूज़ किया है, अब तो सारी उम्मीद खत्म। पंपी बर्मुडाई ने कमेंट किया, दी कल मोहक के व्लॉग आएगा, उसमें सोहक साथ में नहीं दिखेगा, इसलिए मुझे थोड़ा दिल में हर्ट हो रहा है, मिस यू सोहक, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। अनम ने कमेंट किया, थैंक दी अपडेट देने के लिए, मोहक ब्रो ने स्नैप पर सेड सॉन्ग की रील डाली है, वो सुरभि दी को बहुत मिस करते हैं। श्रुति ने कमेंट किया, दी कल मोहक के व्लॉग के लिए मैं भी परेशान हूँ कि क्या होगा, बट साथ में आएंगे दी, मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये दोनों वापस आएंगे, जैसे रील्स बनाते रहे हैं, जैसे रोमांटिक, यही देख कर लगता है कि मेरे मोहक सुरभि अब आएंगे जरूर। ब्लेसी ठाकुर ने कमेंट किया, दी मोहक भैया ने कल के व्लॉग का टाइम लगाया है जिसमें उनका थंबनेल में लिखा है गर्लफ्रेंड, ऐसा और सुरुदी के अलावा कोई दूसरी लड़की है, इन टाइटल लिखा है कि डेट विद अ क्यूट गर्ल, लेकिन मुझे लगता है कि वो रशीमा नारंग है, मोहक की बहन कौन हो सकता है दी। वंशी भारद्वाज ने कमेंट किया, दी आपने सही कहा, लोगों का तो काम है व्यूज बटोरने के लिए फालतू बातें करना। रितिक ने कमेंट किया है, ब्रेकअप हो चुका है मान लो। ब्लेसी ठाकुर ने कमेंट किया, दी मुझे अच्छी वाइब्स आ रही है क्योंकि सुरु और मोहक दोनों का व्लॉग अलग अलग आ रहा है, बहुत जल्द दोनों का साथ में भी व्लॉग आने वाला होगा, जल्दी आएगा। एंड मुझे कल के व्लॉग में नहीं लगता कि सोहक साथ में आएंगे। सोहक फैंस ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट, एंड थैंक यू दी फॉर डेली अपडेट, वेलकम, एंड थैंक यू सो मच कि आप सबसे पहले कमेंट करती हैं हमेशा ही।